हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करेंगे। आप भी यूट्यूब में आना चाहते हैं तो कौन सी कैटेगरी से आपको चूज़ करके आपको अपने यूट्यूब चैनल में आना, किस कैटेगरी से आपको चैनल बनाना है, सब कुछ आपको कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। कौन सा कैटेगरी में ज़्यादा अर्निंग होगी और कौन सी कैटेगरी का चैनल ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, आज आपको सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो के एंड तक देखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा और आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से ही लाइक कर दो, और चैनल पर हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है नबी करीम, आप देख रहे हैं इट्स टेक्निकल। चलिए देखते हैं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी, मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे कौन से कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी दोस्तों टेक चैनल और एक कॉमेडी चैनल, ये दो चैनल में आप सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि फ्लिपकार्ट के अमेजोन के जो बड़े बड़े कंपनीज के एड्स आते हैं ना, वो टेक चैनल पर और कॉमेडी चैनल पर ही लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेक चैनल पर और कॉमेडी चैनल पर ही लगा देते हैं दोस्तों। कॉमेडी और टेक, ये दो कैटेगरी है, इसमें ज़्यादा बहुत से ज़्यादा अर्निंग होगी, सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कौन सा चैनल सबसे फास्ट, एकदम फास्ट कैसा, कौन सा चैनल ग्रोथ करेगा, वो कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा चैनल है वो फास्ट ग्रोथ करेगा, एकदम फास्ट, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, सब एकदम ग्रोथ करेगा, फास्ट ग्रोथ करेगा। कौन सा चैनल है, वो कौन सी कैटेगरी है मैं बता देता हूँ। वो कैटेगरी है दोस्तों गेमिंग, गेमिंग जो गेमिंग का चैनल आप बनाते हो तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो जाएगा गेमिंग चैनल दोस्तों। ये गेमिंग चैनल अभी बहुत चल रहा है, जब से पबजी आया जब से गेमिंग चैनल का, गेमिंग चैनल वालों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है गेमिंग चैनल। आपको फास्ट चैनल ग्रोथ करना है तो ये जो कैटेगरी है दोस्तों गेमिंग का कैटेगरी है, ये कैटेगरी में बहुत फास्ट चैनल ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखते रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बाकी जो कैटेगरीज हैं, ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं होगी ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा मैं आपको, फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट ग्रोथ हो जाएगा, एकदम फास्ट ग्रोथ हो जाएगा। वो गेमिंग का चैनल है और सबसे ज़्यादा अर्निंग है, और कॉमेडी और टेक चैनल में ज़्यादा अर्निंग है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बाकी जो कैटेगरी है उसमें अर्निंग ही नहीं होगी, ऐसा नहीं कि बाकी ये जो कैटेगरीज हैं उसमें वो चैनल ग्रोथ ही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। एक ज़रूरी बात दोस्तों, एक ज़रूरी बात आप नोटिस कर लीजिए, आपको जिसमें नॉलेज है वही चैनल बनाने दोस्तों। आप कॉमेडी में और टेक चैनल में ज़्यादा अर्निंग है तो चलिए हम टेक चैनल बना लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो टेक चैनल में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, मतलब क्या वीडियो डालना है, डेली के क्या वीडियोस डालना, और कुछ भी आपको वीडियो डालने के वो आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बनाना नहीं। जिस चैनल में आपको, जिस कैटेगरी में आपको, कौन सी कैटेगरी में आपको ज़्यादा नॉलेज है वही कोई कैटेगरी का आपको बनाना है। आप पैसे के पीछे भागना नहीं, आप चलिए कॉमेडी चैनल में ज़्यादा अर्निंग है, टेक चैनल में ज़्यादा अर्निंग है, हम कॉमेडी चैनल बना लेते हैं, टेक चैनल बना लेते हैं, लेकिन आप कुछ भी नॉलेज नहीं है तो चैनल आपको बनाना नहीं है। तो ऐसा आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको, आप कभी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर आप नहीं बनेंगे दोस्तों लाइफ में। इसलिए आपको जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज है वही कैटेगरी का, वही यूट्यूब चैनल आपको, वही चैनल आपको बनाना है। कॉमेडी में ज़्यादा नॉलेज है और कॉमेडी आप अच्छे से बना पाते हो तो आपको खुद में एक टैलेंट है आपके पास कॉमेडी वीडियोस बनाने का, आपको कुछ आपको नॉलेज है तो आप कॉमेडी चैनल बना सकते हैं और आपको वीडियो बनाकर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आपके ग्रोथ तो हो जाएगा, अर्निंग भी हो जाएगी। आप कौन से भी कैटेगरी का चैनल बनाओ, थोड़ा पहले आपको थोड़ा मेहनत करना ही है, आपको चैनल को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा मेहनत करना ही है। कौन सा भी चैनल बनाओ, जब तक आपकी 50 या 60 हज़ार सब्सक्राइबर्स नहीं होते तब तक आपकी अच्छी खासी अर्निंग नहीं होगी दोस्तों। जब तक आप 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर्स आपके हो जाते हैं तब आपकी मंथली अच्छी अच्छी अर्निंग हो सकती है दोस्तों। इसलिए आपको अर्निंग के पीछे मत भागना दोस्तों, अर्निंग को आप दिमाग से निकाल दो। आप ये सोचना है मुझे कुछ यूट्यूबर बनना है, ऐसा सोचकर आप मुझे यूट्यूबर बनना है, वीडियो बनाकर मैं मेरे चैनल पर डालकर मैं मेरी जो नॉलेज है वो सब बताने वाला चाहूँ, मेरा टैलेंट है मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, ऐसा सोचकर आएंगे तो आपका चैनल 100% ग्रोथ हो जाएगा और आप सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन जाएंगे दोस्तों। आप अर्निंग देखकर और पैसे देखकर, आप अर्निंग देखकर आप आएंगे तो यूट्यूब में आपके आपको बोर हो जाएगा दोस्तों। जब तक 1 साल नहीं होता, 1.5 साल नहीं होता तब तक आपकी अर्निंग कुछ भी नहीं होगी। आप 1 साल 1.5 साल में आप ये सोचते हैं अर्निंग ही नहीं हो रही, मेरे चैनल पर अर्निंग ही नहीं हो रही, ऐसा सोचकर आप थोड़ा बोर हो जाते हैं, इसलिए आप चैनल बंद कर लेते हैं। इसलिए आपको करना है दोस्तों अर्निंग के लिए नहीं करना, आपको जब भी आप यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो आपको अर्निंग के लिए ओपन मत करना है। तो आपको जिसमें ज़्यादा नॉलेज है वही चैनल आपको ओपन कर लेना, यही 2-4 बातें बताने के लिए मैं आया था दोस्तों इस वीडियो में, और आपको अच्छे भी लगे होंगे। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आप मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप पसंद आए तो कर दो लाइक, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कोई न्यू वीडियो लेकर आता हूँ। थैंक्स टू वॉच।